अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई हरिये से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, कुल्लो मुस्लिम की आर फरमाए। आज की वीडियो स्पेशली मेरी नासर वान साहब के लिए है, जिनका तलक गुजरात से है, जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की दालतों के चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उनका कसूर ये था कि उन्होंने, उनके वालिद ने पूरी जिंदगी जो बाहर कमाई की, पाकिस्तान में इन्वेस्ट की। कुछ कब्जा माफिया ने उनकी जगह पे कब्जा कर लिया, जिसको छुड़वाने के लिए अभी 20 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो अभी तक कब्जा नहीं छुड़ा सके। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास उनका केस गया, वहां से भी वो केस जीत गए, लेकिन अफसोस कि उनको अभी तक कब्जा नहीं मिला। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास उनका केस गया, और मेरी गुजारिश है खान साहब से कि बराए मेहरबानी उनको उनका हक दिया जाए। उनके बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये उनका हक है, उनको उनका हक देना चाहिए। मेरा मौला फरमाता है कि जब भी जुल्म हो और जुल्म को देखकर सुनकर जो भी खामोश रह जाए, जालिम है और उसमें कोई फर्क नहीं है। पता नहीं कि मेरी ये आवाज़ आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, लेकिन एज ए मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज बनता था, मैंने अपना हक अदा किया कि मैंने उनके हक की आवाज़ का साथ दिया, वीडियो बनाई है। मेरी सबसे गुजारिश है कि सब उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके हक के लिए आवाज़ उठाएं, वीडियो बनाएं, कम से कम उनकी वीडियो को शेयर जरूर करें। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, आमीन। मुसर सालत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, बाबा लोग जिंदाबाद।